Hey guys, welcome back to my channel Vlogs and Hauls. Thank you so much for stopping by and watching my video. I hope you all are doing well. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, I have completed 500 subscribers on my channel. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक 500 subscriber special video आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ. So, बहुत सारे दिमाग में मैंने टॉपिक्स लाए, बहुत सारी नोट डाउन किया मैंने, मुझे क्या कैसा क्या बोलना है. एंड फाइनली मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ, 500 सब्सक्राइबर स्पेशल. तो आज मैं, और हाँ, आज एक और भी स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं, जो कि है मैं अपने चैनल पे गिव अवे रखने वाली हूँ गाइज, आप लोगों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए. तो हाँ, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा. एंड वीडियो के एंड में मैं आपको डेफिनेटली उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या है, और मैं प्राइज में क्या गिफ्ट करूंगी वो भी मैं बता दूंगी आप लोगों को. तो स्टे ट्यून्ड, एंड हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और वीडियो अगर पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो. एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. गाइज, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे जो 500 सब्सक्राइबर्स तक का जो जर्नी था वो कैसा था. आई नो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मेरा कोई भी बैकबोन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ कि कैसे मैं 500 तक पहुँची, क्या क्या जो परेशानियाँ हैं, हर्डल्स हैं आई मेरे 500 की जर्नी में. तो हो सकता है कि कोई और मोटिवेट हो जाए इस वीडियो से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए. एंड हाँ, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स, क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करके वीडियो बनाना. इसीलिए प्लीज आप लोग थोड़ा उसका साइड करके ये वीडियो देखना, एंड आई गारंटी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा. तो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है कि सबसे जो पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पे कब अपलोड किया था, तो सबसे जो फर्स्ट वीडियो था ना, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था 18 मार्च 2019 को. एंड उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, और क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको यूज़ करके वीडियो एडिट किया जाता है, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे. इवन ये भी नहीं पता था कि एक इंट्रो बनाया जाता है, और एक चैनल का एक लोगो होता है, एक बैनर होता है, कुछ भी पता नहीं था मुझे. और पोर्ट्रेट मोड में शूट करना है या लैंडस्केप मोड में, इतना तक भी मुझे ये बेसिक चीज़ भी नहीं पता था. तो मैंने बस उठाया अपना फ़ोन का कैमरा एंड बोला कि नहीं, चलो मुझे शूट करना है, शूट करते हैं. एंड मैंने शूट किया और मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया 18 मार्च 2019 को. तो फर्स्ट वीडियो जो था उसका मैं फोटो या फिर उसका टाइटल जो भी है यहाँ स्क्रीन पे कहीं दे दूंगी, तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग जाके देख सकते हो. और उसके बाद उस वीडियो में तो मैंने जो बोला है ना उसको मैं बाद में डिलीट करने वाली थी, बट मैंने उसको डिलीट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं मेरे चैनल को, और अब जब मैं पीछे जाके वो वीडियो देखती हूँ ना, पुराना वाला वो फर्स्ट वीडियो, तो मुझे खुद को रियलाइज होता है कि मैंने कितना ज़्यादा खुद में चेंजेस डेवलप कर लिए हैं. उस वीडियो में मैं कैमरा को ढंग से देख भी नहीं पा रही थी, और इतने कट्स हैं उस वीडियो में, कट करके मैंने वो वीडियो बनाया था. बट आज के डेट में मैं कंटिन्यूसली 4-5 मिनट का वीडियो बना सकती हूँ, इतना मैं इतना मेरा स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गया है, और बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं मेरे में. तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं वो वीडियो डिलीट नहीं करूँगी. जिसको जो सोचना है सोचे, तो वो वीडियो है चैनल पर अभी भी, आप चाहें तो आप जा करके देख सकते हैं. उसके बाद 21 जुलाई 2019 को मैंने यूट्यूब से गैप ले लिया. गैप इन द सेंस, ऐसा प्रोफेशनल कोई गैप नहीं लिया. यूजुअली क्या होता है, यूट्यूबर्स अगर गैप लेते हैं तो वो लोग अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग इतने दिन का, 15 डेज का या फिर 1 मंथ का गैप ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम है. लेकिन मैंने वो नहीं किया, वो चीज़ मैंने नहीं किया. मुझे वो भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता, कुछ नहीं पता था मुझे. कुछ एक प्रॉब्लम हुआ और मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने छोड़ दिए. मतलब छोड़ो यार, जब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. उस वक्त मेरे करीब करीब 200 सब्सक्राइबर्स हो गए थे.
तो उस वक्त जो मैंने गैप लिया ना, वो गैप इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा वो मुझे कुछ भी आइडिया ही नहीं था। आपको पता है गाइज, मैंने 10 मंथ का गैप ले लिया अपने चैनल से, जिसके वजह से कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, इवन कुछ सब्सक्राइबर्स लूज भी किए मैंने, व्यूअर्स जो थे मेरे, जो रेगुलर व्यूअर्स थे वो लोग अब मेरे वीडियोस नहीं देखते थे, तो बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। फिर क्या हुआ कि आपको सबको पता है फिर क्या हुआ, फिर हमारे इंडिया में कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। एंड लॉकडाउन पे इंसान क्या करेगा भाई, वर्क फ्रॉम होम कितना ही करेगा, 10 घंटा वर्क फ्रॉम होम में काम किया, कुछ घर के काम किए, फिर भी टाइम बच जाता था। तो फिर दिमाग में आया कि अरे यार, फिर इतना टाइम बच रहा है तो कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन तो करना पड़ेगा, ऐसे ही 2020 पूरा वेस्ट हो गया है तो कुछ तो नया स्टार्टअप हम नहीं कर सकते। फिर मेरे दिमाग में आया, मेरा चैनल जो इतने मंथ से पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं उसको फिर से उस पर वीडियोज डालूं। तो मैंने फिर से लॉकडाउन में 27 मई 2020 को वीडियो पोस्ट किया, और उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर्स थे 232। तो उस वक्त मैंने वीडियोस पोस्ट करने शुरू किए एंड पोस्ट किया, बनाया। उस वक्त भी थोड़ा टच नहीं था तो छूट गया था थोड़ा टच, तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था शुरू में। वो वाला वीडियो का टाइटल भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग जाके जरूर देखना वो वीडियो। तो फिर मैंने क्या किया कि वीडियोस बनाना शुरू किया और वीडियोस पोस्ट किए रेगुलरली, मतलब जैसा मैं पोस्ट करती हूँ, वीकली 3 वीडियोस में पोस्ट करती हूँ, तो पोस्ट करती गई। एंड फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो गए। और आज डेट है, क्या है आज डेट? 30th अगस्त। यस, आज डेट है 30 अगस्त 2020 एंड मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। यही, आई एम वेरी हैप्पी गाइज। एंड हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट करके मुझे सुधारा, मुझे सजेशंस दिए कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, कहाँ पे साउंड इफेक्ट अच्छा नहीं है, कहाँ पे वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, उस अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को सुधारा। मुझे इवन कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और इतने नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं इस लॉकडाउन में, उसके लिए आई रियली 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 थैंक यू सो मच गाइस। एंड या स्पेशल थैंक्स टू सुमेर फिटनेस यूट्यूब चैनल, जिन्होंने कि मेरा इंट्रो बना के मुझे दिया हुआ है, तो थैंक यू सो मच सुमेर। और भी बहुत पर्सन्स हैं मेरे लाइफ में जिनको मैं थैंक्स भी बोलूँ तो कम है, तो मैं सबका नाम भी मेंशन नहीं करूँगी। और हाँ, सुमेर फिटनेस का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। तो गाइज, इसको भी सपोर्ट करो एंड सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करो। मैं तो यही कहूँगी, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाता है, हमें इतने हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग की मैं बता नहीं सकती। मैं आप सबका चेहरा नहीं जानती, नाम नहीं जानती, बट इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मैं ना आप लोगों से। तो देखते हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो फिर मैं लाइव वगैरह आने का कोशिश करूँगी, और भी ज़्यादा हम लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का कोशिश करूँगी, कम्युनिकेशन बढ़ाने का कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, एंड जब 1000 हो जाएंगे तब मैं और इलैबोरेट करके बताऊंगी आप लोगों को, कि और बहुत सारे टॉपिक हैं, बात है जो आज मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, सब कुछ आज बताना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं फाइनली गिव अवे का थोड़ा टॉपिक पर बात कर लेते हैं, गिव अवे का डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे चैनल का ये फर्स्ट गिव अवे होगा एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड हैप्पी हूँ। तो जो लोग भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन लोग को क्या करना होगा वो लोग ध्यान से सुन ले। पहले आपको ये जो आपको इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको जा करके आप इंस्टा में मुझे फॉलो कीजिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, एंड उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में मुझे टैग करके पोस्ट करना होगा, उसको मैं रीपोस्ट करूंगी। एंड और एक क्राइटेरिया है कि इस वीडियो को जब 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस वक्त मैं विनर अनाउंसमेंट करूंगी, और लकी ड्रॉ के बेसिस में विनर अनाउंसमेंट करूंगी मैं, जो कि मैंने सोचा है अभी तक, और उसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, आप लोगों के आगे ही मैं विनर अनाउंस करूंगी। कोई भी चीटिंग नहीं होगा, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगा, जो भी होगा आप लोगों के आगे होगा। एंड गाइज, आप लोग भी थोड़ा ऑनेस्ट रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो ही मैं आप लोगों को कंसिडर करूंगी एज अ पार्टिसिपेंट। तो यही है क्राइटेरिया गिव अवे का। एंड प्राइस का बता देती हूँ, तो गिफ्ट में पहले तो 3 लकी विनर्स में चूज करूंगी, उसके बाद गिफ्ट में रहेगा, फर्स्ट लकी विनर को मैं 200 का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर दूंगी, सेकेंड विनर को 100 का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, एंड जो थर्ड विनर है
उसको 50 रुपीज का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। चलिए अभी बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो 200-150 मैंने जो गिफ्ट रखे हैं, आई नो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट क्योंकि मेरे अभी YouTube से मेरे को इनकम भी होना स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई भी मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, तो मैं अपने जो सेविंग्स हैं उनमें से आपको गिव अवे के लिए गिफ्ट दे रही हूँ। तो प्लीज गाइज मत बोलिएगा कि बहुत छोटा अमाउंट है। जिसको भी मन से पार्टिसिपेट करने का विश है वो लोग कर सकते हैं पार्टिसिपेट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक भी पर्सन पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो जिसको भी लग रहा है कि बहुत छोटा सा अमाउंट है तो वो लोग प्लीज पार्टिसिपेट ना करें। एंड हाँ, कोई भी जजमेंटल मत हो कि इतना कम अमाउंट क्यों, और बस यही है गिव अवे का जो क्राइटेरिया। तो बस इतना ही बोलना था मुझे आज के वीडियो में आप लोगों को। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आप लोगों की वजह से आज मैंने 500 कंप्लीट किया है, होप जल्दी से मैं 1000 भी कंप्लीट कर लूं, जो कि एक माइलस्टोन होता है यूट्यूब के यूट्यूब के जर्नी में। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूं, और मिलती हूं मैं नेक्स्ट फिर एक अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।